शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु की याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई। 10 जनवरी को दिए फैसले में स्पीकर ने सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था। साथ ही शिंदे गुट की ही असली शिवसेना माना गया था, जिसका आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट ने नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने पर भी सवाल उठाया गया, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था। स्पीकर ने 10 जनवरी को व्यवस्था दी कई शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली शिवसेना है, क्योंकि इसके पास विधायकी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुमत है। नार्वेकर ने 2018 में ठाकरे द्वारा नेतृत्व संरचना बदलावों को भी खारिज कर दिया और कहा कि वो 1999 के शिवसेना संविधान के अनुरूप नहीं थे, न ही चुनाव आयोग के पास इन संशोधनों का कोई रिकॉर्ड था। इसके अलावा अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने पद पर बने रहने की पार्टी की इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं किया, क्योंकि 21 जून 2022 को पार्टी के प्रतिद्वंदी गुट के उभरने के बाद नए मुख्य सचेतक भरत गोगाबले वैध रूप से निर्वाचित मुख्य सचेतक थे। स्पीकर का बहुप्रतीक्षित फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने अपने पिता दिवंगत बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित मूल शिवसेना को शिंदे के हाथों खो दिया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों की क्रॉस याचिकाएं खारिज किए जाने के साथ ठाकरे के 13 विधायकों के विधायक समूह, जिनमें उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं, को अयोग्य घोषित नहीं किया गया और वो अपने शेष कार्यकाल तक विधायक बने रहेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। पहले तो ये पूछा गया था कि क्या ये फैसला हाईकोर्ट को भेजा जाए, लेकिन कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों के द्वारा ये कहा गया कि अगर हाईकोर्ट की तरफ ये मामला जाता है तो वहाँ पर वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसे में हम ज़्यादा वक्त को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। तो यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ही हो सकता है कि शिवसेना का ये बड़ा फैसला होता नजर आए। अगर ये फैसला हुआ, और जैसा कि उद्धव गुट का कहना है कि शिंदे गुट ने चाल चली थी, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, राहुल नार्वेकर हों या चुनाव आयोग, सब ने ही मिली भगत करके शिवसेना उनसे छीनी, अगर ये हकीकत है तो उसका आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट करता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।